टॉपिक राजस्थान का एकीकरण हम लिख दिया था। एकीकरण के बाद बड़े टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक किसान आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन और किसान आंदोलन की पीढ़ी पे अगर अपना जो पहला टॉपिक है वो बनता है बिचौलिया किसान आंदोलन। देखो कि बिचौलिया किसान आंदोलन आज का टॉपिक है अपना बिचौलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन करने से पहले आपको पता होना चाहिए किसान आंदोलन क्यों हुआ, कोई भी आंदोलन क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। कि जिस प्रकार से ये किसान आंदोलन है अब वर्तमान के अंदर, वर्तमान में जैसे अपने किसान मांग करते हैं अलग अलग, जैसे आपने 2005 के अंदर गढ़साना में किसान आंदोलन हुआ था पानी के, उसी प्रकार जब ब्रिटिश शासन काल के दौरान किसान ब्रिटिश शासन काल से प्रभावित हुए और उन्होंने किसानों पर लाल बाग यानी कि इस प्रकार करके अनेक प्रकार के लगभग उनका 87% फसल का अगर मान लो 100 रुपए आमदनी हो रही है तो 80 रुपए सरकार के खाते में जाता है, किसान की बचत बिल्कुल 0 रुपए थी, वो कट जाए 10,000 था, इसलिए किसानों ने क्या कर दिया आंदोलन किया। तो बिचौलिया किसान आंदोलन, तो पहले बात करते हैं कि बिचौलिया है कहां पर और बिचौलिया के उपनाम और इसका वर्तमान नाम क्या बिचौलिया है और इसे पूर्व में प्राचीन नाम क्या था और किसने ये जागृत किसको दी थी, कौन सी रियासत के अधीन आता था। तो बिचौलिया जो था वो मेवाड़ रियासत के अधीन आता था, कहां पर आता था मेवाड़ रियासत हुआ करती थी उसके अधीन आता था और यहाँ के शासक फतेह सिंह थे। शासक कौन थे, फतेह सिंह। और बिचौलिया का जो संस्थापक था वो संस्थापक माना जाता है अशोक परमार को, किसको माना जाता है अशोक परमार को माना जाता है। अगर यहाँ के संस्थापक पूछे तो कौन है अशोक परमार। गाइस आपको याद हो तो 1526 ईस्वी के अंदर एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था पांडवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के मध्य। उस समय राणा सांगा की हेल्प की थी अशोक परमार ने, तो उन्होंने खुश होकर बिचौलिया की जागीर है वो किसको प्रदान की थी अशोक परमार को 1526 ईस्वी के अंदर। तो इसके संस्थापक होंगे अशोक परमार और इसके उपनाम देखते हैं, इसको विजय वल्लय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विजय वल्लय, विजय वल्लय कहा जाता है किसको, बिचौलिया को कहा जाता था प्राचीन काल में से, क्या कहा जाता है विजय वल्लय भी कहा जाता था। और यहां पर जो किसान आंदोलन हुआ इसके बारे में देखते हैं अपने कि ये भारत का सबसे लंबा अहिंसात्मक किसान आंदोलन, तो सबसे लंबा अहिंसात्मक किसान आंदोलन। सबसे कम अगर टाइम पीरियड पूछे तो 1897 से लेकर 1941 तक, यानी कि कितने वर्ष 44 वर्ष तक अहिंसात्मक, यानी कि कोई भी यहां पर हिंसा की जड़प नहीं हुई थी, कोई भी हिंसा नहीं हुई थी यहां पर इस किसान आंदोलन, यानी कि भारत का सबसे लंबा अहिंसात्मक किसान आंदोलन पूछे तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही पर तैयार होता है कि 1897 से लेकर 1941 के मध्य किसान आंदोलन हुआ बिचौलिया किसान आंदोलन। तो अब देखते हैं इसके जो किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो पहले चरण के अंदर इसको 2-3 चरणों में विभक्त किया गया, तो पहले चरण के अंदर साधु सीताराम दास, नेतृत्वकर्ता कौन था साधु सीताराम दास, जमादास बजाज इस प्रकार से 2-3 और बाद में आए थे विजय जी पथिक, थे। इसके बारे में देखते हैं कि आंदोलन किस प्रकार हुआ और इसकी राम कहानी क्या है, इसमें क्या क्या प्रभावित हुए और बिचौलिया जो ठिकाना था इस ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे। तो 1894 के अंदर जो इसके ठिकानेदार थे वो थे कृष्ण सिंह, ठिकानेदार कौन थे कृष्ण सिंह। और यहां पर जो लाभ अपने बात करते हैं कि कर कितने प्रकार के लगाए जाते थे, तो 84 प्रकार के कर थे। और इसके अलावा लाटा कुंता पद्धति अलग से, कौन सी पद्धति
लाटा और कुंता। देखो लाटा अपने राजस्थान में राजस्थानी शब्दावली के अंदर जैसे प्रकार अपने मारवाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो मारवाड़ में लाटा को बोला जाता है खरा, इसी को क्या बोलते हैं खरा से बोला जाता है लाटा को, क्या बोलते हैं लाटा को खरा, यानी कि लाटे के अंदर अपनी फसल इकट्ठी की उसका अनुमान लगाकर जो कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं लाटा। और कुंता क्या होता था खड़ी फसल का जो अनुमान लगाकर, इस प्रकार से आज अपने खेत के अंदर सरसों की फसल खड़ी और अपने पहले से आइडिया लगा लेते हैं ये 4 क्विंटल बीघे की होगी 5 क्विंटल, तो उसी प्रकार से पहले जो आइडिया लगाकर जो एक रकम निर्धारित की जाती है उसको क्या बोलते थे कुंता पद्धति बोला जाता था, और लाटे में से जो कर लिया जाता उसको लाटा या खड़ा पद्धति कहा जाता था। और यहाँ पर जो बिचौलिया के अंदर एक जाति थी धाकड़, जाति कौन सी थी जाति पूछी जाती है तो वो जाति थी धाकड़, कौन सी जाति के किसान थे धाकड़ जाति के। अब देखते हैं इसकी पूरी जानकारी एक बार रिपीट कीजिए, बिजोलिया किसान आंदोलन यानी कि बिजोलिया कहां पर पड़ता था मेवाड़ रियासत के, और उसमें मेवाड़ के शासक कौन थे फतेह सिंह थे, कौन थे फतेह सिंह थे, और इस बिजोलिया का संस्थापक किसको माना जाता है अशोक परमार को, और इसका उपनाम क्या है विजय प्रयास, और भारत का सबसे लंबा अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा है बिजोलिया, इसका टाइम पीरियड क्या है 1897 से लेकर 1941 यानी कि 44 वर्ष, और इसके नेतृत्व करता साधु सीताराम दास, और 1893 से इसके जो ठेकेदार थे वो कौन थे कृष्ण सिंह थे, कौन थे कृष्ण सिंह थे, और यहाँ पर कर कितने प्रकार के लिए लगे 83 प्रकार के, और लाटा और कुंता अलग से, और जाति कौन सी थी धाकड़। इसके बाद में देखते हैं अपने यहाँ की पूरी राम कहानी क्या थी और किस प्रकार से आंदोलन चला। तो देखो भाई यहाँ पर एक गांव पड़ता है भित्तरपुरा या विधायक भित्तरपुरा, इस गांव के अंदर एक किसान था गंगाराम धाकड़, कौन था गंगाराम धाकड़ नाम का एक किसान था गंगाराम जी धाकड़, तो इसके पिता का सर्वनाश हो चुका था, वहां पर मृत्यु हो चुकी, क्योंकि पहले जो मृत्यु बोध हुआ करते थे वो 7 गांव को बुलाया जाता शीघ्री नियुक्त होता, तो इस गंगाराम जी धाकड़ के घर सारे किसान इकट्ठे हुए और किसानों की समस्याओं के बारे में, अब मान लो किसान इकट्ठे हुए तो बातें तो किसान की होगी, अगर दो बिजनेसमैन इकट्ठे हैं तो दो बिजनेस की बातें होंगी, जैसे हम कोचिंग वाले हैं तो अगर हमें कोई हमारा कोई स्टाफ मिलता है तो हम कोचिंग की बच्चों के बारे में बातें करेंगे, जिस प्रकार से हमारा रास्ता है उसी प्रकार से अपनी बातें करेंगे। तो यहाँ पर एक किसान इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर देखो कि गंगाराम जी के घर इकट्ठे हुए किसान और किसानों इसमें से दो किसान, एक तो नानजी पटेल या नानक जी पटेल और नानक जी पटेल को महाराणा को इस समस्या के बारे में अवगत कराने के लिए भेजा, यानी कि फतेह सिंह के पास भेजा गया नानजी पटेल और उनको कि आप जाइए और हमारी समस्याओं के बारे में फतेह सिंह जी को बताइए। तो यहां के जागीरदार कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल को क्या कर दिया यहां से गांव से देश निकाला, यानी कि गांव से निर्वासित कर दिया, दंड दिया गया उसे। तो इसके बाद में देखो क्या हुआ कि एक अकाल पड़ा था जिसे अपने बोलते हैं छपनिया अकाल, जिसे अपने क्या बोलते हैं छपनिया अकाल बोलते हैं। अब देखो छपनिया अकाल जो पड़ा था वो कब पड़ा था 1899 से लेकर 1900 के मध्य, कब पड़ा था छपनिया अकाल 1899 से 1900 के मध्य अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ा इस अकाल के अंदर अकाल का नाम दिया गया छपनिया अकाल, और इसके बाद में देखो कि कृष्ण सिंह ने यहां पर क्या किया कर लगाया गया 1903 ईस्वी के अंदर, तो वो कर कौन सा था चमड़ी कर था, कौन सा कर था चमड़ी कर, यानी कि किसी भी किसान के घर अगर लड़की की शादी यानी कि शादी के समय चमड़ी प्रयोग में ली जाती है, लड़की की शादी होगी तो उसे 5 रुपए टिकाने को देना पड़ेगा, कितने रुपए चमड़ी कर के रूप में उसे कितने रुपए 5 रुपए, और ये कर कब लगाया गया
1903 ईस्वी में, कब लगाया गया 1903 ईस्वी में। तब देखो किसानों के ऊपर एक और मार और इस और साथ में सामाजिक बुराई भी कह सकते हैं, इसे चमड़ी कर यानी कि अपमानित किया गया किसानों को। तो 2 साल तक किसानों ने मौन आंदोलन किया, यानी कि 2 साल तक अपनी जो जवान लड़कियां थी उनकी शादी नहीं, इसका विरोध किया। और इसके बाद में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1906 के अंदर, और 1906 के अंदर यहाँ का जो ठिकानेदार था वो बन जाता है पृथ्वी सिंह। कौन बन जाता है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के बनते इसने 1907 के अंदर एक कार और लगा दी, तलवार हटाई। तलवार बनाई कर लगा दिया। इसके रूप में आप किसानों को अगर मान लो किसी भी रियासत का, क्योंकि पहले ये ठिकानेदार को देना पड़ता था, नए राजकुमार उत्तराधिकार करते ही उत्तराधिकारी घोषित होते उसे 12 रुपए देना पड़ता। अब ये डायरेक्ट किससे देगा? ये किसानों से लेगा। किसानों के ऊपर एक और बोझ बन चुका था। इस प्रकार से किसानों पर अत्याचार होते रहे। और इसके बाद में देखो कि 1913 के अंदर किसानों ने अपनी भूमि को पड़कर, कब रखा पड़कर? 1913 के अंदर ईस्वी के अंदर किसानों ने अपनी भूमि को क्या रखा? पड़क। पड़क का मतलब होता है कि कोई भी फसल को न बोना, कोई भी फसल को न बोना। और ये किन किन के नेतृत्व में देखो, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, साधु सीताराम दास फतेह गंजार के और ब्रह्मदेव के, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने भूमि को पड़क रखा। और इसी टाइम 1914 के अंदर प्रथम वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो चुका था, तो किसानों के ऊपर और वार लगी। इसके बाद में साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से मिले और उनसे आग्रह किया कि किसान आंदोलन की डोर आप संभालिए। तो उनके आग्रह पर विजय सिंह पथिक के अंदर इस आंदोलन में भाग लेते और 1917 ईस्वी के अंदर इन्होंने उपरमाल बिजोलिया की जागीर पर बोला जाता था, उपरमाल पंचबोर्ड, उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उपरमाल किसान पंचबोर्ड की स्थापना कब की थी, तो 1917 के, किसके द्वारा? विजय सिंह के द्वारा। विजय सिंह का अगर मूल नाम पूछे तो भूप सिंह का, विजय सिंह जी का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। अब देखो कि इसका 1917 के अंदर इसकी पंचबोर्ड की स्थापना कर दी, किसान पंचबोर्ड की, लेकिन इसका अध्यक्ष बनाने के लिए हरियाली अमावस्या कब? श्रावणी अमावस्या के दिन एक गांव पड़ता है बेरीसाल गांव। कौन सा गांव हो? बेरीसाल। देखो कि मैंने गाइस आपको 1857 की क्रांति के अंदर कई गांवों के नाम बताए थे, तो वहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो जिस प्रकार भिगारी खुरा से पूछ लिया गया असंगत के अंदर, और एक साइड में फेंक दे दिया बिजोरिया किसान आंदोलन, इनको सुमेलित कीजिए या संरक्षण की, तो बेरीसाल गांव का किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ये ध्यान में रखना। तो यहां पर इसकी बैठक बुलाई गई और अध्यक्ष बनाने के लिए कहा गया भी, इसका अध्यक्ष बनने के लिए कौन कौन आवेदन करता है? तो देखो कि अंग्रेजों का डर था तो कोई भी किसान आगे नहीं आया, लेकिन एक किसान था जो मना नहीं कर सकता,
जो क्या नहीं कर सकता था, मना नहीं कर सकता था, यानी कि उसका नाम क्या था, मन्ना पटेल। उपरमा किसान बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे बना दिया गया, मन्ना पटेल। किसको बना दिया गया, मन्ना पटेल को इसका पहला अध्यक्ष बना दिया। तो विजय सिंह पथिक जी इस आंदोलन में आ चुके थे, उन्होंने उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर दी थी, लेकिन युवाओं को संगठित करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई गई थी, उपरमाल सेवा समिति। कौन सी समिति, उपरमाल सेवा समिति। कौन सी सेवा समिति, उपरमाल सेवा समिति बनाई थी, युवाओं को एकत्रित करने के लिए, जागृत करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई, उपरमाल सेवा समिति। और इसके बाद में यहां से एक पत्र भी निकाला, पंचायत पत्र, उपरमाल पंचायत उपरमाल का डंका नामक पत्र। देखो भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेवा समिति कौन सी थी, उपरमाल सेवा समिति, उपरमाल किसान पंच बोर्ड और उपरमाल का डंका नामक पत्र निकाला। तथा विजय सिंह पथिक जी, विजय सिंह पथिक जी ने कानपुर से एक अखबार प्रकाशित होता था, कानपुर के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन से थे, गणेश शंकर विद्यार्थी को पत्र लिखा तथा चांदी की राखी दी थी, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय प्रताप प्रताप नाम के समाचार पत्र के संपादक थे। तो उनको कहा गया कि आप हमारे जो बिजोरिया किसान आंदोलन इसी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई, तो उन्होंने राखी को स्वीकार करते हुए बिजोरिया किसान आंदोलन को एक नई दिशा दी तथा राष्ट्रीय हित में कार्य किया। इसके बारे में देखो, ये तो थी अखबार की बात, अखबार पूछा जाए कि प्रताप जो अखबार था वो कहां से प्रकाशित हुआ, कानपुर से, और इसके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोरिया किसान आंदोलन के लिए गीत गाया था पंचीला। कौन सा गीत गाया था, पंचीला गीत गाया था, मान मान रे मेरा मन मेरा मेवाड़ा, ये इसके बोल है। तो वो पंचीला गीत था माणिक्यलाल वर्मा का। और इसके बाद में प्रेमचंद, प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि, प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में भी इसका चित्रण किया गया है, इसको दर्शाया गया बिजोरिया किसान आंदोलन को। और ब्रह्मदेव पटसा प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार ने, भंवरलाल जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया। तो ये मुख्य मुख्य फैक्ट है इसके। पूछे कि इनके अंदर अखबार कौन सा था, प्रताप, और माणिक्यलाल वर्मा का गीत कौन सा था, पंचीरा, और प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा, रंगभूमि और प्रज्ञा चक्षु, भंवरलाल स्वर्णकार ने अपनी कविताओं के माध्यम से अलग जगह रखी। इसके बाद में 1919 के अंदर, 1919 के अंदर एक आयोग बनाया गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो इस आयोग ने कोई खास कार्य नहीं किया, तो किसान भी और अत्यधिक नाराज हुए। और इसके बाद में 1922 ईस्वी के अंदर एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, एजीजी कौन थे, रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों से डायरेक्ट बातचीत की तथा इनकी 35 लाख के माफ कर, कितनी लाख थी, 35 कर माफ करवाए। लेकिन किसानों की बदकिस्मती ये थी कि ये जो समझौता था वो स्थायी नहीं हो पाया, कुछ ही समय बाद इस समझौते को तोड़ दिया गया, ये स्थायी समझौता नहीं था। और इससे पहले जब किसान आंदोलन शुरुआत हुआ था, नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल फतेह सिंह के पास गए थे महाराणा के पास, तो उन्होंने हामिद अंसारी को भेजा था,
हमीद अंसारी इनको भेजा था, तो इन्होंने किसानों की समस्या को की रिपोर्ट तैयार की और महकमा खास ने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो महकमा खास से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महकमा खास किसका था, तो किसानों की समस्या सुनने के लिए विभाग होता था उसका नाम क्या था, महकमा खास। और महकमा खास को रिपोर्ट किसने पेश की थी, हमीद अंसारी ने। और इसके बाद में 1927 ईस्वी के अंदर जो बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई, तो इसी बंदोबस्त प्रणाली में किसानों ने फिर विरोध किया और विरोध स्वरूप अपनी जो माल भूमि थी यानी कि जिस पर फसल हुआ करती थी अच्छी वो फसल छोड़ दी। तो इन्होंने अपनी माल भूमि कब छोड़ी, 1927 ईस्वी में जो नई बंदोबस्त प्रणाली हुई थी उसका विरोध स्वरूप छोड़ी थी। तो ठिकानेदार ने जो जिन किसानों ने भूमि छोड़ी थी उनको न्याय देकर नए किसानों को भूमि देगी। और इस प्रकार 1941 तक ये अपनी मांगी मानते रहे। 1941 में जाकर मेवाड़ के महाराणा और किसानों के मध्य समझौता हुआ और ये आंदोलन समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, कल अपने एक किसान आंदोलन हो चुका है, इसके बाद में शेखावटी डेंगू मुख्य मुख्य 3-4 किसान आंदोलन हम करेंगे। इसके बाद अपना आगे वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शेखावटी किसान आंदोलन और डेंगू किसान आंदोलन। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।